मैंने छोड़ना नहीं सुना बच्चे को हाथ लगाना मेरे भाई को मारता साले को मेरे भाई को मारता साले ले अब मार मार छह की छह गोली अंदर उतार दूंगा तेरे मार साले ए वीरजी भाव नहीं जब तक अपना काम पूरा नहीं हो जाता इसको जिंदा ही रखना पड़ेगा अपुन ने पैसा लिया उन लोगों से कितने पैसे चाहिए ए ये पैसे का धौंस मत दे हाँ हम लोग बेईमान जरूर हैं पर बेईमानी के धंधे में बिल्कुल ईमानदार हैं समझे हेले पढ़ चैनल एक्स रिपोर्टर शॉट डेड सिक्योरिटी घायल अपुन का ऐसा है भाव बनी तो बनी नहीं तर नहीं तो सनसनी ए कब आप लोग चाहते क्या हाँ दो ही बातें सीईओ साहब नंबर एक तो ये जो तुम्हारा प्रोग्राम है टीवी पर मूसा भाई के बारे में मिशन मोस्ट वांटेड उका बंद करो और नंबर दो ये जो तुम्हारी रिपोर्टर है क्या नाम है उसका तिरुपति उसने जो भी रिकॉर्ड किया है वो टेप हमको चाहिए ना, मुझे नहीं मालूम कि आप किस टेप की बात कर रहे हैं सलाम भाई बस सलाम दुआ छोड़ काम की बात कर मना कर रहे हैं सर हाँ बोल रहे हैं इनको टेप के बारे में कुछ है नहीं मालूम वो सच बोल रहे हैं उसको बोल चैनल जाने को अभी इसी वक्त टेप उधर ही चाहिए और सुन जी मेरे को वो टेप मंगता याने मंगता जी चलिए चैनल ऑफिस अभी इसी वक्त और देखिए सीईओ साहब जैसा आप रोज जाते हैं ना चैनल में ओ सूट बूट टाई वाई पहन के वैसा ही तैयार होकर जाइएगा हाँ चलिए उठ उठ ए सावंत खोल दे इनको पापा पापा ओ पापा पापा क्या हिरजी हिरजी आगे जा, हाँ? देख लेंगे साले को, बस बस बस, आराम कर। I'm so sorry भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रो मत। काहे छाती में दुखे? काहे लेकर आते हो खतरे की जगह पर इसको, हाँ? अरे क्या करूं बल्लम भाई? इस हाल में घर पे अकेला छोड़ता हूँ तो सारा दिमाग वही लगा रहता है। साथ लेके आता हूँ तो इसका दर्द देखा नहीं जाता। मैं ऐसे सीधे चैनल जा रहा हूँ वहां जाकर किसी भी तरह से एक ही सिंगल को कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहीं रहो अगर पुलिस यहाँ आ गई तो मैं नहीं चाहता क्रॉस फायर में तुम लोग फंस जाओ और ध्यान रख इन लोगों का इतना टाइम तो लौंडिया भी नहीं लेती है देख का श्रृंगार कर रहे हैं बहुत टाइम लगा रहे लोग किधर है भाव ओ आ गए ए बेड़ू ये सूट बूट में एकदम झकास लगता है तू चलो जा रहा हूं मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए सीईओ साहब अगर हमारी बात मानोगे तो कुछ नहीं होगा पर अगर थोड़ा भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो मजबूरन हमको इनका ब्रेकिंग न्यूज़ भेजना पड़ेगा जाइए
एक मिनट, चैनल आप अकेले नहीं जाएंगे, वीर जी आपके साथ जाएगा। बल्लम भाई ये क्या कह रहे हो? वो कहा है कि सोच ज्यादा रहा है और बोल कम रहा है, और हमका कहा है कि डाउट हो रहा है। वहां जाकर बदमाशी करेगा, पुलिस पुलिस का कुछ। लेकिन हीर जी को इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा? पगला गया है का? ये हमरा भाई नहीं है। अरे जितना प्यार तू करत है इससे, उससे ज्यादा हम करते हैं सब। मेरा मन नहीं मान रहा, सावंत को भेज दो ना। वीर जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं, ये जो बोलेगा हम मानेंगे, ये जो कहेगा हम करेंगे, इसका बाल भी बांका नहीं होगा जब तक हम जिंदा हैं। और इस सावंत का कहा है ना कि इसकी खपड़िया का बल्ब जल गया ना तो पता नहीं का कर बैठे। और तुम तो संभाल लोगे ना। ए वीर जी भैया, बलम भाई है ना? और सुन, अगर तनिक भी होशियारी करे ना तो एक मिस कॉल कर देना, फिर जिंदगी भर अपनी फैमिली को मिस करेगा। चल। क्या हुआ? हमारे सीनियर एडिटर हैदर तृप्ति से बात कर रहे थे, फिर वो चली गई। बाद में पता चला कि तृप्ति को किसी ने गोली मार दी। गुड मॉर्निंग मिस्टर श्रॉफ, मैं हूं इंस्पेक्टर मोहिते। वैसे आप एक बात बताइए, कल से आप थे कहां? आपको पता है आपकी रिपोर्टर मिस तृप्ति को किसी ने गोली मार दी? आपका मोबाइल भी नहीं लग रहा था मिस्टर श्रॉफ। वो गिरकर टूट गया। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके चैनल के सीनियर एडिटर मिस्टर हैदर अली कहाँ होंगे? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब ये वारदात हुई तब वो यहाँ हाजिर थे, और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है, और ना ही वो दूसरे दिन ऑफिस आए। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ होंगे? I have no idea about him. Okay, Mr. Shroff. You may go now. Thank you. Excuse me. एक मिनट, क्या आप यहीं पे काम करते हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ, आप ही से बात कर रहा हूं। मैडम, आप मुझे बताइए, क्या यह आदमी यहीं पे काम करता है? बताइए, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या यह यहीं पे काम करता है? इंस्पेक्टर, ये आज ही दिल्ली से आए हैं। मेरा कजिन है। Any problems? No, you may go. Hello, sir. Jai. Inspector Mohsin bol rahe. क्या कर रहे हो तुम? आपको बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रहा हूं ब्रदर। डोंट कॉल मी ब्रदर। क्यों? अभी बाहर खुद ही तो बोला कजन हूं तुम्हारा। तुम्हारी जान बचाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए नहीं। अपनों की जान बचाने के लिए तुम्हें रिश्ते बनाने पड़ेंगे।